Wild homies, yeah. Shagged on the beat. Red eye gangster. Just Lachi. Yeah. नमस्कार दर्शक बंधु, मैं दीपक होलीवाल, आप देख रहे हो लविंग लबर चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो गए, अपना अपनी फैमिली का खूब अच्छे से ख्याल भी रख रहे हो दोस्तों, और अपने वर्ड्स का। तो दोस्तों आ गए फिर हम एक बार कॉलोनी के अंदर दोस्तों, और आज मैं आपको ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाऊँगा, क्योंकि लास्ट ब्रीडिंग प्रोग्रेस है दोस्तों ये इस सीज़न की, क्योंकि आपको दिख ही रहा होगा कब मार्च चला गया और अप्रैल भी आ गया दोस्तों, और गर्मी का काफ़ी असर हो गया है, जो कि इस टाइम हमें कूलर पंखे या बच्चों फैन छोटा सा लगा लेने चाहिए अपने कॉलोनी या केज के अंदर, जो कि बर्ड्स को थोड़ा एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाए दोस्तों। और इस टाइम एग्स वगैरह भी दे रखा है और चिक्स वगैरह भी, और इस सीज़न में मर जाते हैं चिक्स। आइए आपको चला दिखाता हूं दोस्तों अपनी ब्रीडिंग प्रोग्रेस, देखेंगे आगे क्या होगा, भगवान जाने दोस्तों। आइए तो दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा पाइट की फीमेल है, ये पाइट का मेल था, उसकी फीमेल है ये लुटिनो दोस्तों, इसने 4 एग्स दिया है, काफ़ी अच्छी फीमेल है दोस्तों, एक अच्छे कलर इसके बच्चे निकलते हैं कई बार मैंने देखा दोस्तों, इसमें कोई सिलेक्शन नहीं है नंबर 2 मटकी में। और दोस्तों ये आपको 15 नंबर मटकी दोस्तों ये दिख रहा होगा कि ये, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को दोस्तों, और उसके साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। लाइक शेयर और कमेंट में बताइए दोस्तों कैसे लगी वीडियो। और ये आपको ऑफलाइन दिख रहा होगा, ऑफलाइन की ये एक्स है, 6 एक्स दिए दोस्तों ऑफलाइन की फीमेल ने। और 4 नंबर की मटकी में देखते दोस्तों ये जो मटकी है दोस्तों, इसमें एग्स दिया है, मगर जो इसकी मादी ने दोस्तों इसकी आई इन्फेक्शन हो गया था फाइटिंग के दौरान दोस्तों, मगर फिर भी इसने चिक्स वगैरह एग्स वगैरह भी पाले, इसकी एक आग बची है दोस्तों। ये अचानक ये मटकी में सिलेक्शन करने के लिए ही फाइटिंग हो रही थी दोस्तों, तो इसलिए इसकी आइस ऐसी हो गई, और मैंने ध्यान दिया था मगर पानी अचानक क्या हुआ कि पानी भर गया आइस में और इलाज हो नहीं पाया ठीक तरीके से इसका, सर्दी का टाइम बहुत हो गया था। आइए 6 नंबर मटकी में देखते दोस्तों, इसमें ये तीन पट्टे थे दोस्तों इसके, ये किसी और के मैंने इधर से रखे थे, तो इन्होंने बच्चे पाल लिए और ब्रीडिंग भी कर दी दोस्तों अच्छी। 7 नंबर मटकी में देखते दोस्तों क्या पोजिशन रही है दोस्तों, इसमें बच्चे निकल चुके हैं, नीचे से उतार के दिखाऊंगा क्योंकि ऊँची मटकी है तो दिख नहीं पाता दोस्तों, तो दिख ही रहा होगा दोस्तों इसमें बच्चे निकल गए हैं, 3 बच्चे निकल गए दोस्तों, दिख ही रहा होगा, और एक एक्स वगैरह भी रखा हुआ है, इसमें से भी निकल ही जाएगा, फर्टाइल है एक्स, इसको टांग रहे थे मटकी को, ऊँची मटकी है, कई बार दिक्कत हो जाती है ऊँचाई में, एक हाथ में फ़ोन होता है और एक हाथ में मटकी दोस्तों, तो इसलिए थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब गर्मी का टाइम है, अब कल मैं अब संडे को जाके इंदर लोक में दोस्तों वहाँ से लेके आऊँगा एक छोटा कूलर, ताकि बर्ड्स को राहत मिले और ऐसे छोटे छोटे चिक्स मरे ना, क्योंकि अभी थोड़े चिक्स एक्सपायर भी हुए गर्मी के कारण इसी सीज़न में। और दोस्तों इसको दिख ही होगा 4 चिक्स में, एक ये ब्लैक माओ का चिक्स है, ये ओलिव निकला है, थोड़ा बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव कलर है दोस्तों, अभी ये बड़ा हो जाएगा तो आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसा चिक्स है, छोटे में ज़्यादा आपको फेदर वगैरह भी नहीं दिख रहे होंगे दोस्तों, बड़े होने के बाद ही दिखेंगे दोस्तों। ये 9वीं मटकी में देखते दोस्तों इसमें क्या पोजीशन रही है और कितने चिक्स वगैरह एग्स वगैरह मैंने अभी देख, तो दोस्तों ये आपको दिख रहे होंगे 6 चिक्स और 6 के 6 फर्टाइल है, देखेंगे इसमें से कितने बचेंगे कितने रहेंगे कितने एक्सपायर होंगे दोस्तों, क्योंकि हमें आगे का कुछ नहीं पता होता,
कि हम ये जो कह दे कि इतने बचेंगे सब बेकार की बात है, जो बचता है किस्मत की बात हो जाती है दोस्तों, क्योंकि हम हर तरह का माहौल इनको दे नहीं पाते। कई बार ऐसी दिक्कत हो जाती है दोस्तों कि गर्मी के कारण ही ऐसा है कि गर्मी इतनी होती है दोस्तों, करे तो करे क्या, कभी हमें हर चीज़ की परेशानी हो जाती है, मगर हम एडजस्टमेंट करना अपने हाथ में होता है दोस्तों कि इस चीज़ को कैसे एडजस्टमेंट कीजिए। और आपको ये दिखाता हूँ, इसमें भी कुछ एग्स एग वगैरह दिया है मैंने देखा था, वो मैं हटा ही दूँगा दोस्तों, मगर क्योंकि इसमें चिक्स वगैरह घुसे रहते हैं 24 घंटे, तो वो फर्टाइल एग्स हो जाएगा। और पता नहीं किसने दिया है, किसका है, कुछ पता नहीं है। ये जो आपको दिख रहा होगा मादिन सेक रही है, छोटी मादिन, पता नहीं इसने दे दिया। अभी इसकी अभी बच्चा था ये, और अभी बड़ा हो गया और अभी अंडा दे दिया। वाह क्या बात है ना, इतने जल्दी अंडे देना, ये कोई ब्रीडिंग लेने वाली कोई अच्छी बात नहीं है। मगर ये मटकी के अंदर या बॉक्स के अंदर है तो इसने दे दिया, क्योंकि इसको माहौल ऐसा मिलना पड़ा है कि बंदे बच्चे देने वाला हर जगह, इसलिए दोस्तों उसने भी दे दिया। मगर इसका टाइम नहीं था ताकि ये ब्रीडिंग करे दोस्तों, हमेशा बस को अपने एज के हिसाब से ब्रीडिंग करनी चाहिए। उससे पहले कर देंगे तो इनके बच्चे या कुछ नहीं बचते, वो बस एक कॉपी हो जाती है कि हाँ भाई अंडा दे दिया और ब्रीडिंग हो गई, मगर ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, ये सब दिखावटी बात है। और नेक्स्ट सीजन देखेंगे इसकी क्या ब्रीडिंग रहेगी। और ऐसे ही वीडियो के साथ जुड़े रहना दोस्तों, मैं अच्छे अच्छे आपके लिए अब टॉपिक वगैरह भी लेते आऊँगा, क्योंकि अब मैं थोड़ा बिजी था काम के साथ और तबीयत भी ख़राब हो गई थी, थोड़ा माहौल ऐसा हो गया था ठंडा गर्म, तो हमारी भी तबीयत ख़राब हो जाती है दोस्तों कई बार। इन बर्ड्स को हम खुद अपना हाल कैसे बया करें, मगर इनके लिए हम अपने दिल से हर काम करते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे इस चैनल पे, और ऐसे छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा प्यार हमें देते रहिए, ताकि हम सपोर्ट में रहें आपकी वजह से, हम जो धीरे धीरे पोजीशन हमारी बढ़ती रहेगी, फिर अब भाई लोगों के प्यार की वजह से ही होगा दोस्तों, और अदरवाइज़ कुछ नहीं होता, अकेला मैं कुछ भी नहीं दोस्तों, सिर्फ आपका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत कुछ है, और आगे भी मिलता रहेगा उम्मीद करूँगा दोस्तों, क्योंकि यार हमें बस आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद जय भारत दोस्तों।